हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये गाड़ी है सेलेरियो डीजल, इसकी करनी है एसी सर्विस। तो हम दिखाते हैं कैसे सारी फिटिंग खोलनी है। एयर फिल्टर हमने निकाल दिया इसका, और इसका बैटरी निकाल दिया। ये दोनों पाइपें हैं एसी वाली और हीटर वाली, दोनों पाइपें खोलनी है। और एक 10 नंबर का नट होता है जो लास्ट में हम वीडियो में दिखाएँगे, बाहर से खोलना होता है। और अंदर से ये पूरा डैशबोर्ड ओपन होगा, ये सारा डैशबोर्ड की फिटिंग है, खोली जाएगी। कैसे खोलना है दिखाते हैं वीडियो में। सबसे पहले ये गियर लीवर का जो कंसोल है, इस पर लॉक लगे होते हैं, 4 लॉक लगे होते हैं। ये निकाल के इसको थोड़ा पुल करेंगे, खींचेंगे तो आराम से निकल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये साइड वाले जो गोले हैं उसके कवर खोले जाएंगे। दोनों साइड पर होते हैं ये कवर, इसमें भी लॉक होते हैं, 2 लॉक होते हैं, तो ये भी आसानी से निकल जाता है। तो आगे ये है जो 2 स्क्रू होते हैं इसके नीचे, इस स्क्रू खोलने के बाद लॉक होते हैं, इसको खींच के निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाता है। और ये बोल्ट 2 पत्ती होती है गियर लीवर के पास, दोनों साइड पे 12 नंबर के बोल्ट होते हैं 4, और ये साइड, दोनों साइडों पे बोल्ट होते हैं 12 नंबर के 2, और 10 नंबर के ये खुलेंगे। और दोनों साइड पे सेम होता है। और स्टीयरिंग व्हील हम यहाँ से खोलेंगे, और स्टीयरिंग व्हील खोल के हम आगे की फिटिंग दिखाते हैं। स्टीयरिंग व्हील दोस्तों हमने खोल लिया है, उस जी देखो बाहर पड़ा है। और एक बोल्ट, 4 बोल्ट होते, और ये बाकी कपलर होते हैं। और गियर लीवर जो हाउजिंग है वो भी हमने खोल लिया है, और आगे की फिटिंग दिखाते हैं। ये कंसोल है, जो भी है कंसोल के कंट्रोल है, इनकी वायरें सब उतारी जाएगी। और यहाँ पे जो भी कपलर है जो हमारे डैशबोर्ड से अटैच है, जो फ्यूज बॉक्स में लगे हैं, वो सारे कपलर उतार दिए हमने। एक अर्थ इस साइड है, इसी प्रकार दूसरी साइड भी अर्थ होता है। तो ये वायरिंग है जो ब्लोअर मोटर की और रेजिस्टेंस की, और जो हमारा सेंसर है अंदर कूलिंग कॉइल के पास वाला, उसकी वायर हटाएंगे। उसके बाद हम जो हमारी ये जो कंट्रोल है, एसी कंट्रोल यूनिट की वायरें हैं वो भी हटाएंगे। ये इसमें लॉक होता है, इसको थोड़ा दबाएंगे तो ये लॉक खुल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों हम येलो वाली और ग्रीन वाली वायर दोनों हटाएंगे, इस प्रकार हमारा खुल जाएगा। ये वाला पत्ती है, जो पत्ती को दोनों साइड से दबाएंगे ऊपर और नीचे बराबर, तो आसानी से निकल जाता है। तो ये हमारा निकल गया, आगे की फिटिंग हम दिखा रहे हैं आपको। और हमारा डैशबोर्ड आगे खुल गया, सारी फिटिंग खुल गई दोस्तों, डैशबोर्ड हमारा बाहर निकल गया है। तो हम इसको बाहर निकाल के बाहर रखेंगे, खुल गया डैशबोर्ड हमारा। तो कोई भी काम है ध्यान से करो, हो जाता है लॉक लुक बचा के। हम देख रहे हैं कोई वायर तो नहीं रह गई। तो उसके बाद हमारे दोस्तों ये एसी कूलिंग यूनिट है, इसके 4 बोल्ट होते हैं, 1, 2, और इसी तरह दूसरी साइड होते हैं 3 और 4। ये बोल्ट होते हैं हमारे कूलिंग कॉइल जो यूनिट है उसके, जिसमें ब्लोअर मोटर भी होता है, एडजस्टिंग वाला सारे फ्लैप होते हैं। तो एक नट होता है बाहर, जो मैंने पहले भी बताया था, ये पाइपें तो पहले ही बताया था खोलनी है, हीटर वाली पाइपें भी खोलनी है आपको बताया था। तो एक नट और खोलना होता है, वो भी दिखाते हैं हम आगे वीडियो में आपको। तो दोस्तों ये पाइपें मैंने खोल ली है, कूलिंग कॉइल की पाइपें भी खोल ली है, हीटर कोर वाली खोल ली है। एक नट जो दिख रहा है सामने 10 नंबर का, अब उसे खोलेंगे, अब उसे खोलेंगे, 10 के रिंग से खुलेगा ये नट। ये थोड़ा जगह कंजस्टेड होती है लेकिन खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं खोल रहा हूँ, वो सामने दिख रहा है आपको। ये खोल के आगे की फिटिंग दिखाता हूँ आपको। ये 10 नंबर का नट होता, थोड़ी बड़ी वाशर लगी होती है इसमें,
ये खुल गया दोस्तों। ये 10 नंबर का नट होता है, ये कूलिंग कॉइल यूनिट का होता है जो अंदर लगे डैशबोर्ड के। हमारी कूलिंग कॉइल अब बाहर आने के लिए तैयार है। अंदर से हम कूलिंग कॉइल को यूनिट है जो एसी की पूरी यूनिट है उसको बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे अंदर क्या है। तो ये दोस्तों ब्लोअर मोटर के 300 स्क्रू है, ये खोल के ब्लोअर मोटर निकल जाती है और बाकी जो फ्लैप है जो जिसे हम कूलिंग कॉइल खोलने के लिए बाहर निकालने के लिए खोलेंगे, ये फ्लैप है पूरा कवर है, इसको खोलने के लिए स्क्रू होते हैं, एक जितने भी स्क्रू और लॉक है सब खोल लेंगे। एक खोल के आपको दिखाते हैं आगे। तो कूलिंग कॉइल और फ्लैप हमारा खुल गया है। तो कूलिंग कॉइल की कंडीशन देखते हैं क्या है। तो कूलिंग कॉइल हमारी पूरी चोक है, चोक पड़ी हुई है, इसमें चूहे का मल भी है इसमें, ये देखो। तो इसमें एसी फिल्टर ना होने की वजह से ये कूलिंग कॉइल हमारी पूरी चोक पड़ी है। इसको हम पूरा क्लीन करेंगे, सभी पार्ट्स को शैम्पू से धो के और कूलिंग कॉइल को केमिकल से धोएंगे। तो कूलिंग कॉइल हमारी में केमिकल लगा दिया है, पूरी डस्ट बाहर निकल रही है। पहले साफ़ पानी मारा था, फिर केमिकल लगाया, बाकी सामान भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं, प्रोसेस में है। ये गाड़ी थी सलेरियो डीजल, इसमें थे एसी की कूलिंग की प्रॉब्लम। दोस्तों जैसे हमने खोला था वैसे ही सारी फिटिंग कर दी है। अब हम चेक कर रहे हैं जो थर्मामीटर हमने लगाया हुआ है, तो हमारा कूलिंग कॉइल कूलिंग है, एसी कूलिंग है जो अच्छी कर रहा है, जो कि 7.5 पे जाके कट कर रहा है। लेकिन जो अंदर कूलिंग कॉइल में सेंसर होता है थर्मोस्टेट, वो तो कट करता है 3 या 4 डिग्री पे, लेकिन जो एयर का टेम्परेचर है वो 7.5 तक रहता है। तो इसका मतलब हमारी कूलिंग अच्छी हो रही है, हमारा काम सक्सेस हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।